दोस्तों ऐसा है, जब हमने चैनल की शुरुआत की थी तो तब मुझे ऐसा लगता था कि जो एंड यूज़र्स है, जो रिटेल बायर्स है, उनको इन्फॉर्मेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, नीड होती है, इंक्वायरी होती है, और उसके लिए कोई एक इन्फॉर्मेटिव चैनल होना चाहिए जिसके ज़रिए लोगों को रियल एस्टेट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल पाए, और इसीलिए हमने जो है प्रॉपर्टी चैनल की शुरुआत की। पर आगे जाके जो है ना सीनेरियो थोड़ा चेंज होने लग गया, कहानी थोड़ी सी चेंज होने लग गई। अब जो है एंड यूज़र्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, या फिर प्रॉपर्टी बायर्स के साथ बिल्डर्स और डेवलपर्स भी ये सारी वीडियोस जो है देखते हैं, और उसी में से एक थॉट आता है कि बिल्डर्स के भी जो इवेंट होते हैं वो भी कवर किए जाए। और कई सारे पहले भी आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किए जिसमें बिल्डर्स और डेवलपर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, तो जैसे अलग अलग एसोसिएशन है बिल्डर्स के, तो वैसे नवी मुंबई में महाराष्ट्रियन बिल्डर एसोसिएशन है, तो उनका एक आज प्रोग्राम था और उसी प्रोग्राम को आज मैंने अटेंड किया है, और इस बार हमारे साथ आनंद पाटिल साहब है। सर स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। तो सब आप बताइए मुझे कि एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में क्या महाराष्ट्रियन बिल्डर एसोसिएशन ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया और एग्जैक्टली क्या हुआ प्रोग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक फॉर कमिंग। हमारे रिक्वेस्ट को आपने सुना और आप आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये महाराष्ट्रियन बिल्डर एसोसिएशन ये अपने बिल्डरों के लिए, जो हमारे मेंबर्स है उनके लिए नॉलेजेबल सेशंस बार बार रखती है। ये इस 9 महीने में 14 कार्यक्रम था जिसके ऊपर मार्केटिंग मंत्रा ऑफ मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, मार्केटिंग कैसा करना चाहिए, और एक्चुअली हमारे बीच में एक कन्फ्यूजन था मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर। यस, लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि सेल्स और मार्केटिंग एक ही है, पर ऐसा नहीं है। जैसा मनीष भतीजा ने बोला कि उन्होंने बोला कि मार्केटिंग अलग है और सेल्स अलग है, समझने के लिए उनको भी टाइम लगा, वैसा बहुत सारे बिल्डर्स है उनको टाइम लग रहा है, बट मार्केटिंग अगर स्ट्रांग है, तगड़ा है, तो सेल्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। यही हमारे जो 3 वक्ता थे इन्होंने आज बात कही है, और मार्केटिंग का जो कन्फ्यूजन था और मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर जो कन्फ्यूजन था, वो बहुत अच्छा गाइडेंस हमारे तीनों की स्पीकर ने दिया है। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगले साल नवी मुंबई में हम सबको यहाँ से उड़ान दिखते हुए फ्लाइट्स दिखेंगे। उसके अलावा MTH है, जिसका शायद उस साल पहले हमने सोचा भी नहीं, इवन हमने भी, कि इतना फास्ट MTHL कंप्लीट हो जाएगा, जो दिसंबर से पहले अभी स्टार्ट होने जा रहा है। और उससे भी बड़ी खुशी की चीज़ है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं इसी महीने में, और खारघर के मेट्रो की उद्घाटन होने जा रही है, तो खारघर के लिए एक बहुत ही प्राइड मूवमेंट है कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर खारघर में आ रहे हैं। और उसके अलावा नवी मुंबई का ये पहले मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, उसके अलावा कई सारी फेसेस में मेट्रो जो है वो एक्सपांड होने वाली है। सो नवी मुंबई का जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी ब्राइट हो चुका है, और वर्ल्ड के मैप में अगर सबसे ज़्यादा NRIs में अगर आप आज डिमांड देखेंगे तो नवी मुंबई के तरफ NRIs का सबसे ज़्यादा आकर्षण है। और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम आज इसी प्रॉपर्टी मार्केट का एक हिस्सा है। मेरी कंपनी आज पैराडाइज ग्रुप के नाम से अपने महाराष्ट्र बिल्डर एसोसिएशन और कई सारी एसोसिएशन इसमें बेस्ट एक अपना रोल अदा कर रही है, और नवी मुंबई कर बताते हुए और नवी मुंबई का बिल्डर बताते हुए हमें गर्व फील होता है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आज के पूरे प्रोग्राम में अलग अलग स्पीकर आए थे, राइट, जिन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को मोटिवेट किया, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को, और साथ ही साथ मार्केटिंग एग्जैक्टली किस तरीके से होनी चाहिए, राइट, उसके कुछ बेसिक थंब रूल्स होते हैं वो लोगों को बताए। बराबर। तो ये 3 अलग अलग जो स्पीकर थे वो कौन कौन थे, अगर उनका कुछ इंट्रो दे पाओ? पहले स्पीकर थे हमारे स्नेहल कांबळे, जो वो बिजनेस कोच बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए मदद किया है। दूसरे स्पीकर थे मनीष भतीजा जी, उनको कौन नहीं जानता, करेक्ट, जो भी रियल इस्टेट में है और रियल इस्टेट जानता है, पैराडाइज और मनीष भतीजा जी का नाम सब दुनिया जानती है, राइट। और तीसरे स्पीकर थे हमारे दिलीप अवती साहब, और दिलीप अवती बिजनेस कोच हैं और की स्ट्रेटेजिस्ट है, इनका काफ़ी अच्छा नाम है, इन्होंने भी काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए मदद की है। आम्ही आज या ठिकाणी जो मार्केटिंगवरती आणि सेल्सवरती जो सेमिनार लावलेला आहे, त्या तरुण मुलांनी पुढे यावं आणि या बिझनेसमध्ये जो बिल्डर लाईनचा बिझनेस आहे याच्यामध्ये पुढे येऊन त्यांनी चांगल्या संख्येने आणि चांगल्या बुद्धिमत्तेनुसार काम करावं आणि तरुणांनी पुढे यावं ह्या उद्देशानेच हा सेमिनार या ठिकाणी लावला होता। आणि आमच्या विनंतीस मान देऊन पॅराडाईज बिल्डर्सचे जे MD चेअरमन आहेत मनीष भतीजा साहेब आले होते, त्यांचा आता झाला आहे, त्याच्यानंतर स्नेहल कांबळे साहेबांचा झाला,
आणि आउटी सेवन चा तिसरा सेमिनार चालू आहे. अभी आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, तीनों स्पीकर को आपने ध्यान से सुना है, तो कोई ऐसी एक बात जो आपको इस टाइम पे इंस्पायर करके गई, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में या पसंद आई, या फिर आपको वो चीज़ सुन के ऐसा लगा कि अरे यार ये तो मुझे पता नहीं था पहले और ये बहुत आसान था इस पर. इसमें मुझे बहुत एक चीज़ इंस्पायर की गई, वो है मनीष भतीजा जी का. उन्होंने बोला कि 2024 वो अपना है. करेक्ट. उन्होंने क्या बोला है कि 2024 में जो बिजनेस ग्रो होगा, नवी मुंबई में जो ग्रोथ आएगी, वो देख रहे हैं. 2024 और 25 हमारे लिए गोल्डन ईयर है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो. ओके. और जो चीज़ मुझे मालूम नहीं थे, ऐसा बोलेंगे तो स्नेहल कामले जी ने कुछ चीज़ें बताई और दिलीप आवती साहब ने कुछ चीज़ें बताई, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हुए. कंटेंट मार्केटिंग आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर फोकस नहीं है. तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए दिलीप आवती साहब का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे. आता कोविड नंतर मार्केटिंग करायची स्ट्रॅटेजी चेंज झाली आहे. पहिल्यासारखं जे आपण जुन्या पद्धतीने करायचो त्या पद्धतीने आता मार्केटिंग करून दॅट विकणं फार डिफिकल्ट झालं आहे. खूप नवीन नवीन चॅलेंजेस आहे. या चॅलेंजेसला फेस करण्यासाठी नवीन काय टेक्नॉलॉजी आली आहे, नवीन कशी स्ट्रॅटेजी द्यायला हवी, त्याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही दोन प्रमुख वक्ते इथे बोलून दिले. श्री दिलीप औटी आणि स्नेहल नीतीचे डायरेक्टर स्नेहल कांबळेजी. आणि त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आमच्या सर्व बिल्डर मित्रांना नवीन पद्धतीने कशाप्रकारे मार्केटिंग करायचं, सेल्स कसं करायचं याबद्दल मार्गदर्शन केलं. आमचे नेहमीच अशा प्रकारचे कार्यक्रम सर्व असोसिएशनमार्फत होतच असतात. आमचे सर्व बिल्डर मित्र जे आहेत त्यांना आम्ही ट्रेनिंग अशा प्रकारे देतच असतो आणि यापुढे आमचे असे चालू आहेत. त्यासाठी आम्ही आता थोडं डिटेलमध्ये वर्कशॉप घ्यायचं पण ठरवलं आहे. 2 दिवसाचा वर्कशॉप पण आम्ही आता आयोजित करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप मोठा आत्तापासूनच आम्हाला प्रतिसाद मिळायला लागली आहे. चलो, बहुत बढिया सर. अब आखिरी सवाल होगा सर. महाराष्ट्र बिल्डर एसोसिएशन ने ये ऐसे पहले कई सारे प्रोग्राम किए, मैं पहली बार आया और पहली बार हमारे दर्शक जो है इस थ्योरी को समझ पा रहे, तो फ्यूचर में आगे जाके और भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे देखने मिलेंगे? हम 2 या 3 महीने में एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं हर सब्जेक्ट में. पहला इवेंट जो हुआ था हमारा रीडेवलपमेंट के ऊपर हुआ था. उसके बाद में हमने वेद पैसा था, हाउ टू रेज मनी, हाउ टू रेज फंड्स, उसके ऊपर किया. और ये अभी तीसरा प्रोग्राम है इस 9 महीने में. नेक्स्ट 2 या 3 महीने में और एक प्रोग्राम होगा, नया सब्जेक्ट रहेगा, नया टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम करते रहे. ठीक है. अभी इसके अलावा कुछ ऐसे भी बिल्डर्स और डेवलपर्स हो गए जो अभी तक आपके साथ जुड़े नहीं हैं, तो अगर उनको जुड़ना होगा तो कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? अगर उनको जोड़ना है तो महाराष्ट्र बिल्डर एसोसिएशन का ऑफिस के नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं. लेकिन हमारा एक ही है कि सुबह महाराष्ट्र, तो हमारा ये जैसा नाम है महाराष्ट्र बिल्डर्स एसोसिएशन, ये महाराष्ट्र बिल्डर्स फ्रेंड, और उनका कम से कम एक प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है. Okay. अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर देन हम लोग उनको एसोसिएशन में एज ए मेंबर करके नहीं ले सकते. चलो बढ़िया, आपने लगिया तो क्राइटेरिया भी शेयर कर. थैंक यू सर. थैंक यू. चलो बढ़िया सर. थैंक यू सो मच इनवाइट. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक फ्रेश माय सेल्फ. थैंक यू सर. हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए, हम डेफिनेटली लोगों तक पहुँचा पाएंगे. आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं. मैं आपसे मिलते रहूँगा ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.